धनबाद के बैंक मोड़ से फायरिंग की घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी है। बैंक मोड़ के पास एक ज्वेलरी दुकान को अपराधियों ने निशाना बनाया, जहां गोली ज्वेलरी शॉप के शीशे में लगी। गनीमत रही कि किसी जान माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। अपराधियों ने बैंक मोड़ स्थित घराना ज्वेलर्स को निशाना बनाते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस से लेकर चैम्बर के पदाधिकारी भी घटनास्थल पर आ गए। चैम्बर पदाधिकारी ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। चैम्बर के पदाधिकारी का कहना है कि पुलिस को तकनीकी रूप से अपडेट होना पड़ेगा। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस को अपडेट रहना बहुत ही जरूरी है। तो वहाँ पे फायरिंग होने की सूचना है, तो उसी सूचना में हम लोग यहाँ पर अभी जांच कर रहे हैं, कुछ फुटेज वगैरह हम लोग देख रहे हैं किधर से आया और किधर भाग, बाकी अभी जांच चल रहा है, आगे देखते हैं। कितने लोग? अभी तो दो लोगों के होने की बात बता रहे हैं। क्या चीज़ का है? बाइक से तो बताया जा रहा है। फायरिंग होगी? कितना फायरिंग होगी सूचना मिली? अभी एक ही राउंड की सूचना है। किस पर गोली चलाया था? घराना ज्वेलर्स। ठीक है, नहीं इस तरह का कोई लिखित या मौखिक वर्बल कुछ इस तरह का सूचना नहीं है, पर फायरिंग हुई है। नहीं अभी उस तरह का बरामद नहीं है, दुकान बंद है, तो हम लोग एक बार फिर जांच करेंगे। ठीक, जाना तो अभी तो हम लोग लाइन का सोच नहीं सकते, लेकिन भय का माहौल है। हम देखिए हिम्मत जुटा के आपके कैमरे के सामने जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारे व्यापारी समाज के लोगों के साथ ऐसी घटना घट रही है। कल किसकी बारी होगी, सब में यही सवाल है, और ये बड़ा सवाल है कि कल अपराधियों के रडार पे कौन होगा। देखिए हम व्यापारी अपना व्यवसाय करने के लिए आते हैं, हम लोग व्यवसाय करते हैं इसी बिहाफ में कि हमारे सुरक्षा में जिला प्रशासन है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घट रही है। देखिए यहाँ से 1500 मीटर की दूरी पे बैंक मोड़ थाना है, तो जब प्रशासन थोड़ा सा प्रशासन को ना अपना टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। देखिए अभी अपराधी हाईटेक हो गए हैं, तो प्रशासन को भी हाईटेक होना पड़ेगा, और हम व्यवसायियों की तरफ से जो भी सहयोग प्रशासन को चाहिए वो हम लोग देने के लिए और करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों में कम से कम भरोसा जगना चाहिए कि हम लोग, देखिए कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं तो भरोसा को तोड़ने का काम करती है, लेकिन अभी भी हम लोगों को प्रशासन पे भरोसा है और प्रशासन से उम्मीद है कि ये जो भय का माहौल, आज जो भय का काला बादल हमारे धनबाद पे छाया हुआ है, प्रशासन इसको छांटेगी और इसको पूरी तरह से ख़त्म करेगी। में PNB बैंक है, बगल में ATM है, और ये व्यस्तम एरिया भी है और पॉश एरिया भी है। बैंक रोड और बैंक मोड़ के नाम से जाना जाता है, इसके नाम के साथ ही बैंक जैसा शब्द जुड़ा हुआ है, तो कभी काफ़ी गंभीरता से इस विषय को, इस चैलेंज को प्रशासन को लेना चाहिए। हम व्यवसायियों के इसकी तरफ से जो भी मदद, जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं। मांग क्या करते हैं, बार बार इस तरह घटनाएं? देखिए प्रशासन को अपडेट होना चाहिए, प्रशासन को उस अपराधियों का जो तकनीक है उसी तकनीक में उसको मात में घुस के मात देना चाहिए। दूसरा एक बड़ा प्रश्न है कि बहुत से व्यवसायियों ने जिला प्रशासन से अपने आर्म्स के लिए आवेदन दे रखा है, तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के प्रशासन को उस पर पहल करनी चाहिए। कम से कम आत्म सुरक्षा के लिए हमारे पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहीं घटना स्थल पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस के द्वारा अन्य प्रतिष्ठानों में लगे CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। लाइव इंडिया हरपल के लिए धनबाद से गोवर्धन की रिपोर्ट।